तो मेरे व्यूवर्स, मेरे शायकीन, मेरे नाजरीन, सीजन 3 एपिसोड 4 में पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस आपके खिदमत में हाजिर खिदमत है। वही कश्मीर जन्नत नज़ीर से ये आज आपको मैं कुटन वाटरफॉल लिए जा रहा हूं। इस वाटरफॉल का नाम कुटन वाटरफॉल, दूसरा नाम इसका आजकल कुंडल वाटरफॉल है, और पहले इसे जो है जागरण के नाम से जाना और पहचाना जाता था। तो ये इस रास्ते से गुजरते हुए ये इस इलाके का बाजार है, जो बहुत ही दीदाज़ेब खूबसूरत आपके सामने एक बैग भी है माशाल्लाह से, ये देखें। और इस बाजार से होते हुए हम कुंडल वाटरफॉल पे पहुंचेंगे और आपको वहां का दीदाज़ेब फितरत से नज़दीक वो हुस्न का नज़ारा कराएंगे, आप उसे अपने नज़रों से दीदार करेंगे और यकीनी तौर पे अपने ज़ुबान से सुभान अल्लाह का विर्द ज़रूर करेंगे। तो अभी हम इस मार्केट से निकलते हुए कुंडल वाटरफॉल की तरफ, जिसे मैं कुटन वाटरफॉल भी कहूँ यहाँ पे, तो यकीनी तौर पे गलत नहीं होगा क्योंकि इसे कुटन वाटरफॉल भी कहा जाता था, लेकिन आजकल ये कुंडल वाटरफॉल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो उस के लिए हम रवा दवा हैं। ये खूबसूरत वादियों से गुज़रते हुए, ये मोहल्ले से गुज़रते हुए, ये आबादी से गुज़रते हुए हम इंशाल्लाह उस मुकाम पे पहुंचेंगे। ये देखें ये खूबसूरत नज़ारे आपके नज़रों के सामने, हसीन वादियों से इस नीलम वैली के साथ उस वाटरफॉल को पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहाना है, ना ही बारिश है और ना ही बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही नॉर्मल मौसम है और बहुत ही पुरफिज़ा। ये देखिए ये आपके सामने ये नीलम वैली, ये बहता हुआ दरिया, ये खूबसूरत नज़ारे, एक तरफ जो है हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और ये देखें इन पहाड़ों पे ये आबादी जो आपके नज़रों के सामने बे इंतहा खूबसूरत नज़र आ रही है, उस दरिया के सामने ये देखें आपके नज़रों के सामने, बिल्कुल आप ये क्लोज आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये लश ग्रीन नहायत ही खूबसूरत ये नीलम वैली अपने मौज में रवा दवा। और आप इस नीलम वैली के साथ साथ चलते हुए ये खूबसूरत नज़ारे कुंडल वाटरफॉल बेसिकली 74 किलोमीटर दूर है मुजफ्फराबाद से, और चंद मिनट के मुसाफत पे नीलम वैली के फासले पे हैं सिर्फ। लेकिन अभी आपके नज़रों के सामने ये नीलम वैली अपनी खूबसूरती खुद बयान करते हुए, कभी जो है
मोहल्ले की आबादी इसे छुपा देती है, कभी ये झाड़ियों के पीछे चला जाता है और कभी बिल्कुल जो है आपके सामने ये खूबसूरती अपनी आया कर देता है, जैसे ये सामने अभी आपकी नज़रों के सामने इसकी खूबसूरती आया है बिल्कुल। तो आप और एक तरफ जो है वो आबादी जो पहाड़ों पे ये देखे सामने घर बने हुए अपनी खूबसूरती आप पेश कर रही होती है। अब यकीन जाने यहाँ के रहने वाले जब अपनी खिड़कियों के झरोखे से इन नज़ारों को देखते होंगे तो यकीन माने कुदरत का कितना शुक्रगुजार होते होंगे कि अल्लाह ने इन्हें इतने हसीन वादियों में रहाइश का इंतज़ाम इन्हें फराहम की हुई है। नो डाउट सर्दियों के मौसम बहुत सख्त होते हैं इनके लिए। तो व्यूअर्स, ये वो शाहकार जिसका था आपको इंतज़ार, हम कुटर वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और अब आप इस शाहकार को अपने आंखों के सामने बहता हुआ देख रहे हैं। इसकी आवाज़ें आपके कानों के सामने गूंज रही होगी। ये खूबसूरत वाटरफॉल जिसे आप देख रहे होंगे और यकीनी तौर पे इसकी हिस्ट्री जानने की भी कोशिश कर रहे होंगे और दिल में आपकी चाहत भी होगी कि मैं इसे कैसे जाकर देखूं। तो फिलहाल मैं आपकी इसकी हिस्ट्री बताता हूं कि ये बेसिकली कुदरती वाटरफॉल नहीं है, ये जागरान के इलाके में बिजली फराहम करने के लिए ये बेसिकली बनाई गई थी। ये टर्बाइन के सूरत में ये टर्बाइन के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था इन इलाकों को बिजली फराहम करने के लिए, और ये इन इलाके को बिजली फराहम करती थी, यहाँ बिजली पैदा की जाती थी। 2018 में यहाँ ये एक छोटा सा पुल है जो उस पुल पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की बैक वक्त गुजरने की गुंजाइश थी, कुछ ज़्यादा लोग उस पे सवार हो गए और वो बताने वाले बताते हैं कि वो 20 से 25 लोग थे और वो साहिवाल, मुल्तान और इस तरह के स्टूडेंट्स थे जो यहाँ अपने टूरिज़्म के लिए आए हुए थे और वो तस्वीरें ले रहे थे और वो तस्वीरें लेते हुए उस पुल से नीचे जा गिरे। और यहाँ का एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही मासूम, 4 बच्चों को बचाया उसने, 5वें बच्चे को बचाते हुए उसने अपने जान दे दी। या आपने अभी जो देखा ये कुटर वाटरफॉल का बोर्ड, इसके साथ ही उसकी जो है तस्वीर लगी हुई थी एक बोर्ड पे जिसे तमगे शुजात से हमारी गवर्नमेंट ने नवाजा था, और ये 7-8 साल का बच्चा था और इसने जो है 4 बच्चों की जान बचाई थी। तो ये कुटर वाटरफॉल आपके नज़रों के सामने बहुत ही शोर मचाता हुआ और इसकी आबादी जो कि उस पार ये देखिए खूबसूरत ये इसके मनाज़िर, ये इसकी बहते हुए जलवे अपने जोश में ये नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही जाज़िबे नज़्म, ये बिजली फराहम करने के लिए टर्बाइन के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था और अब जो है इसे टूरिज़्म के तौर पे जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीनी तौर पे आप इसको देखने की चाहत रखें।